ऑक्सीडेटर हो गए, गोली है एक्सेस पे एंट्री हो गई, एक्शन नहीं, ये सब तेरी वजह से नहीं हो पाया।
कोई बता इसमें तेरी क्या गलती है? बस नहीं नहीं रो गौरी रो, ये तो शुरुआत, अभी तुझे बहुत रुलाना बाकी है। पापी जी ये सब क्या हो गया? मुझे आज के लिए बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब जो राज के साथ हो रहा है वो खरा सुर कर रहा है, इसलिए राज के साथ ये सब। पापी जी ये सब मेरी वजह से हो रहा है, राज की ये हालत मेरी वजह से है। नहीं गौरी नहीं, ये सब कुछ तेरी वजह से नहीं, तू ही बता इसमें तेरी क्या गलती है? बस इतना ही ना कि वो काला सुर जाता है उसे जाके शादी कराना है, वरना वो राज को मार देगा। अब हम उसका जिसकी रक्षा तेरे खानदान की बड़ी सती उसे कर रही है। हाँ ये बात भी है कि जो राज के साथ हो रहा है वो शायद किसी साथ, हाँ ये बात और है कि जो राज के साथ हो रहा है वो शायद किसी और के साथ हुआ, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खाना सुर से डर के उसे वो शालिग्राम दे देंगे, है ना? तू ही बता राज की जान पर खतरा ना आए ये सोच के तू वो शालिग्राम खाना सुर दे देंगे? सदियों से हमारे घराना ने उस शालिग्राम की रक्षा की और करते रहेंगे। मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी माँ, हम सब लड़ेंगे। मुझे लगता है कि हमें सबको बता देना चाहिए कि रात के साथ जंगल में क्या हुआ था। नहीं गौरी नहीं, पहले सब लोग इतने टेंशन में हैं, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हम दोनों है ना हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बेटा राज को इस तरीके से निकालने के लिए, ठीक है? गौरी डॉक्टर आ गए। आगे भगवान जी ये सब क्या हो गया? कितनी मुश्किलों से हमने काला सुर को मारा था, मंदिर में गाड़ दिया था, सोचा था कि सारी मुश्किलें वो खौफ भी सब खत्म हो गया, अब हम हमेशा हमेशा के लिए खुशी से जी पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान जी। वो काला सुर का हाथ, वो हाथ वापस आ गया, फिर से आ गया, फिर उसने लोगों की जान ली और वो काला सुर का शरीर संदूक से बाहर निकल गया। फिर किसी भी तरह उस हाथ को हमने दफनाया, मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। भगवान जी मैंने जो राज के साथ होते हुए देखा वो देखने के बाद मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है? ऐसा कुछ जो नजर के सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। राज के साथ जो होते हुए मैंने देखा उसे देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राज के साथ बहुत गलत होने वाला है? ऐसा कुछ जो नजर के सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। भगवान जी मेरे राज की रक्षा करिए। देखा रो रही है, रो रही है, तू भी मुश्किल हो गई जाती हूँ और ये श्यामी गई।
आप दम करे और ये निकली और फिर आया गौरी बेटा नहीं नहीं फिर मत करना और ये तो चली और देखो तो आया गौरी बेटा तो आप उड़ जा ओके इस बार क्या हमेशा कालासुर कुछ ना कुछ कर ही देता है जहाँ गौरी हमेशा परेशान हो जाती है मतलब गौरी को वो खुश नहीं देखना चाहता है बट स्टोरी यही है कि उसे एक चीज़ चाहिए गौरी से जिसकी वजह से वो गौरी के पीछे पड़ा है और राज के पीछे पड़ा है क्योंकि गौरी का हस्बैंड राज है तो हमेशा मैं भगवान को याद करती हूँ इस बार भी मैं भगवान को याद करके यही बोल रही हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मेरे राज की रक्षा करना क्योंकि मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्यार के साथ अगर कुछ होता है तो तकलीफ होती है गौरी को इसलिए मैं भगवान जी का सहारा ले रही हूँ अब तो पूरा ट्रैक खुलना बाकी है अब हमने जो प्रोमो में देखा है वो ये है कि राज के रगों में कालासुर का खून दौड़ रहा है अब कुछ दूसरा ही ड्रामा होगा जहाँ राज कालासुर बन जाएगा तो सोचो कि मतलब जब वो मेरे साथ रहेगा और कभी कभी उसको जो अमावस्या की रात होगी या तो जैसे उमा जी इशारा करेंगे वैसे उसे कालासुर बनना पड़ेगा तो कुछ अलग ही ड्रामा होगा मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है क्योंकि गौरी का जो हस्बैंड राज है जिससे गौरी बहुत प्यार करती है वो ही मेरे जान का दुश्मन हो गया है और वो ही कालासुर बन गया जी बिल्कुल क्योंकि ये राज की माँ है ही नहीं ये एक सरप्राइज है राज की माँ कोई और है एक्चुअली नो ये एपिसोडिक होता है ना तो हर एपिसोड में हमको भी तभी पता चल रहा है जब आपको पता चलता है थैंक यू मच